उन्नाव में परिवार अंतिम संस्कार को इस वक्त तैयार हो गया है और अब अंतिम सफर पर अंतिम संस्कार के लिए उस मासूम का शव लोग ले जाते हुए आप देख रहे हैं कि चारों तरफ वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है, चारों तरफ से पुलिस की टुकड़ियां हैं, लोग हैं और वो लोग हैं जो कि इस सफ़र में शामिल हो रहे हैं। ये उन्नाव का पैतृक गांव है जहां पर पीड़िता का परिवार रहता है और वहां पर कल यानी कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल से शव निकलने के बाद में रात के 9 बजे के आसपास उन्नाव लेकर के वो एम्बुलेंस पहुंचा था और माना ऐसा जा रहा था कि आज सुबह आखिरी सफ़र पर अंतिम संस्कार के लिए शव को ले जाया जाएगा, मगर घर वालों की ज़िद थी, उनकी ख्वाहिश थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मुलाकात करें। तो इस तरीके से उन्नाव का पीड़ित परिवार अब अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार हो चुका है। इससे पहले अंतिम संस्कार ना करने की बात कर रहे थे कि जब तक सीएम खुद नहीं आते नहीं करेंगे, मगर कमिश्नर की बातचीत के बाद में मुकेश मिश्रा ने बातचीत की समझाया। हालांकि ये तस्वीरें जो कि जिसे हम आप धुंधली करके दिखा रहे हैं, आप जिसमें देख रहे हैं कि पुलिस का पहरा है सामने, दाएं तरफ बाएं तरफ पीछे हर तरफ पुलिस के जवान चल रहे हैं और उसी बीच में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। मगर आज जब यहां पर पहुंचे थे उन्नाव के कमिश्नर, उन्होंने क्या कुछ कहा कि किस तरीके से हमने समझाया कि आर्थिक मदद दी जा रही है, किस तरीके से उनका सहयोग हो रहा है, आइए सुन लेते हैं। सदस्यों से, परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत हुई है। जो इनकी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चला करके और जल्द से जल्द उसकी सुनवाई पूरी की जाए, ये इनकी मांग थी, ताकि दोषियों को कठोर से कठोर दंड समय पर मिल जाए। क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि कैसे दोषियों को कड़ी दंडात्मक सजा हो। इसके अलावा जो इनकी एक मांग है कि चूंकि आपने देखा स्वयं यहाँ पर मौजूद हो करके, परिवार निर्धन है और इनके अपने जो संसाधन है वो भी सीमित हैं, मजदूरी करते हैं और बहुत ही गरीब परिवार है, तो जो सुविधाएं हैं हम वो भी साथ में एक हमारे जो होना चाहिए अदरवाइज भी होना चाहिए वो सरकार की ओर से हम उपलब्ध कराएंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार की दया करके या किसी प्रकार से उसको अन्यथा लिया जाए, लेकिन ये जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के भाव से हम उनको अलग से बाकी सुविधाएं भी सरकार की ओर से जो अनुमन्य होती दी जाती है वो देंगे।